तरीके से अभी कार्यक्रम में सोमनाथ भारती जी आए थे और वो कह रहे थे आपकी संस्था की तरफ से एक प्रपोजल दिया जाए आवारा कुत्तों या आवारा जानवरों को लेके कि एक बैलेंस बनाया जाए। तो आपकी संस्था किस तरीके से क्या प्रपोजल देने वाली है, क्या जो आवारा पशु हैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक चलाती है, क्या उस तरीके की कुछ स्कीम जानवरों के लिए भी लाई जाएगी? आप लोग दिल्ली सरकार के साथ में कुछ इस तरीके की कोई स्कीम मिलकर लाने वाले हैं? भाई आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक है वैसे ही मोहल्ला वेटनरी क्लिनिक की सोच रहे हैं हम लोग, और सोमनाथ भारती जी हमारी मदद करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। और जैसे उन्होंने कहा हमारी पूरी वेटनरी फोर्स उनके साथ है, हम चाहते हैं कि जो गैप है डॉग्स और ह्यूमन बींग्स में वो वैसे ही कुदरती बहुत कम होता है। आजकल ज़रा स्ट्रे डॉग्स हमारे यहाँ मल्टीप्लाई बहुत हो गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कई ऑपरेशंस होते हैं। डॉक्टर प्रभाकरन की एक संस्था है फ्रेंडिकोस, वो उसमें बहुत पार्टिसिपेट करती है, तो इस चीज़ के लिए हम सोमनाथ भारती जी से मदद मांगेंगे और जहाँ तक हम लोगों से उसके एज अ वेटनरी सर्जन हम उनकी मदद करेंगे तो ये बैलेंस आराम से मेंटेन हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो आधी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर इसी से ही एक दूसरा सवाल ये उठता है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है जी, तो अलग अलग एरियाज़ में एक मोबाइल वैन जिस तरीके से चलेगी मोहल्ला क्लिनिक के तौर पे, तो फिर वो उतने सारे जो डॉक्टरों को नहीं, आपको लगता है कि डॉक्टर्स फिर वो उतने सारे डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? डॉक्टर्स हम देखिए गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी कवर करेंगे। दिल्ली में काफ़ी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हम लोग 300 वेटनेरियंस हैं, काफ़ी हैं, और मोहल्ला क्लिनिक में जिस मोहल्ले में जाएगी उस एरिया का प्राइवेट प्रैक्टिशनर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर यहाँ तक शुरुआत में ऐसा करेंगे। अदरवाइज जितनी वैंस हमें गवर्नमेंट अगर हम सप्लाई करेगी हमें हेल्प कर पाएगी, हम वैंस ले लेंगे तो हम वैंस के लिए एक पोर्टफोलियो लेके एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को वैन के साथ फुल टाइम दे देंगे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स के लिए, तो उस तरह से आगे चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या सर इस माहौल पेट्स वैन में क्या कुत्तों की नसबंदी भी होगी और वैक्सीनेशन किस तरीके के कार्यक्रम इसमें जोड़े जाएंगे? नसबंदी से शुरू होगा और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करने की कोशिश की जाएगी, जो अभी वैसे भी गवर्नमेंट हेल्प करती है इस चीज़ में, पर थोड़ा सा इस चीज़ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये स्पीड तभी बढ़ेगी जब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट हम लोगों को थोड़ी सी पावर देगी कि आप लोग कर सकते हैं जी। थैंक यू।